कहाँ चले गए थे आप? आलम में बाला में। क्यों कर रहे हैं ऐसी फजूल बातें अब्बा? हमारे भाइयों ने कुछ ढंग का सोचने के लिए छोड़ा है हमारे लिए। आपको पता है अम्मा शाम से गायब है। हाजिर हो चुकी है, घर पे जाकर देख लें। वाकई मुन्ने के साथ रह रहे के ना तुम्हारा खून भी सफेद हो गया बिट्टो। एक दफा नहीं पूछा कि बाप की तबीयत कैसी है। अब्बा परेशानी में याद नहीं रहा, बताएं कैसे हैं आप? जिंदा हूँ, गिनी चुनी सांसें ले रहा हूँ। क्यों करते हैं आप ऐसी बातें अब्बा मियां? जब ऐसी बेदीद औलाद मिलेगी तो बंदे के मुंह से ऐसे ही मोती झड़ेंगे ना। मैंने क्या किया है? मुन्ने और शज्जी के झगड़े में बंटवारा हुआ था माँ बाप का, तुमने तो फर्श कर लिया के ऊपर निकल लिए दोनों। अम्मा खुदा की कसम ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छा तो छोड़ो बस तन्नो वन्नो की बात छोड़ो, घर जाओ, अम्मा परेशान होगी। और देखो कोई गलत थलत सवाल ना पूछ लेना उनसे, वैसे ही परेशान है। बिट्टू आप एक बात कहूँ? कोई तीर रह गया तो तुम भी चला लो। वो कुकु मामू का फोन आया था, आपको पूछ रहे थे। तभी मेरी आवाज़ सुन के सकता हो गया था उसे। हैं आपकी बात कब हुई? मुझे तो उसकी बस 5 साल पुरानी वो बात याद है, जब उसने कहा था कि बहन को नाराज करके कोई फैसला नहीं कर सकता मैं। तभी खुद से खफा है और जिंदगी से भी आज तक। अम्मा कहाँ थी आप? जहन्नम में। ओ शजी भाई के घर गई थी। अब ऐसा कुछ नहीं है पापा, जकिया खाला की तरफ से लेकर आ रहा हूँ इन्हें। अच्छा अच्छा, मैं समझा यहाँ गई होंगी, इधर होंगी। हाँ जैसे शजी को तो बहुत परवाह है ना अपनी माँ की, बेहिस औलाद है हमारी। सलाम अलैकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। चचा दो दफा पूछ चुके हैं कैसी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा रहा। प्लीज यार भाभी कोई बहाना बना देना यार। बहाने से याद आया कि अब्बी अम्मा वाकई में रात को बिल्किस खाला की तरफ थी। मैंने तो रंगे हाथों पकड़ा था अब्बा मियाँ के साथ। आहिस्ता बोलो, अगर चचा ने सुन लिया ना तो चामत तुम्हारी आएगी। ये अच्छी मुसीबत है, उल्टा काम कोई और करे गर्दन लेकिन मेरी नजर आती है सबको। ये तो है। ये शादी का कार्ड किसने रखा है मेरे ड्रेसिंग टेबल पर? इसको छोड़ो, ये देखो तुम, अगर ये तस्वीर तुम्हें पसंद आ जाती है ना तो तुम्हारी शादी का कार्ड भी इसी तरह से लोगों के घरों में पड़ा होगा। अम्मा 4 बाल नहीं है इसके सर पर। नहीं मुझे तो बहुत शरीफ लग रहा है। ये शरीफ है तो मेरे कौन से इश्तेहार लगे हुए थानों में। अस्तगफुरुल्लाह, कभी तुम मुंह से अच्छी बात निकाला करो बिट्टो। अरे अस्सलाम वालेकुम भी अम्मा, क्या हाल चाल आपका? ठीक है अल्लाह का शुक्र बेटा। और ये असफी कहाँ है? इधर ही था अभी। मगर मुझे ये बताओ कि ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों हुई है? वो हार्ट अटैक हो गया था ना हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। अरे मुझे तो असफी ने कहा था कि उसकी सास का इंतकाल हुआ था। क्यों असफी? हाँ वो इंतकाल के बाद ही तो आया हार्ट अटैक सदमे से, बताना यार। जी जी ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही हुआ था। अल्लाह करे हमें भी ऐसा ही दामाद मिले। बिट्टो चलिए देखना एक दफा फिर से, देख गौर से। इसको भी हार्ट अटैक करवाना है क्या? मुझे तो जरा अच्छा नहीं लगा। गौहर तू चल मेरे साथ आए। चलो देखना